स्पून मनीर, यूटी सेक्रेटरी नेशनल वाटर पंचायत रेस्टोरेशन वाटर फ्रंट जेंट के। सर आज हम नोप्रूप का डेलीगेशन जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ संजीत मन्हास डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर नोप्रूप डोडा, आज हमारा एक वफद जो है बीपी सिंह रावत जी की हिदायत पर जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा से मुलाकी हुआ, जिसमें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करने का मुतालबा वर्षी डीसी डोडा से किया और डीसी साहब ने हमारे इस मुद्दे को बारीकबीनी से लिया और हमें अश्योर किया कि आपकी डिमांड जो है वो एलजी मनोज सिन्हा को ड्यूकम के थ्रू जो है जल्द से जल्द भेजेंगे। और आपको हम ये अवेयर करना चाहते हैं कि आरईडी जो है दो स्टेट्स में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोर हो चुकी है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और झारखंड में भी हमारे हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर, उनने भी इंडिपेंडेंस डे के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। कुछ ही दिनों पहले उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि 15 अगस्त 2022 को हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को अनाउंस करेंगे, रेस्टोर करेंगे। तो ये मुबारकबाद की बात है उनके लिए और हम उम्मीद करते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि यहाँ पर भी जो मरकजी इलाका जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर भी जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पैटर्न पर ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करें। सर देखिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सिंगल किसी एक महकमे का मसला नहीं है एजुकेशन या रेन्यू का। देखिए, इसमें रेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी, एजुकेशन के भी है, हेल्थ के भी हैं, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, तो हर डिपार्टमेंट का मसला, हर एम्प्लॉई का मुद्दा है ये, जो भी 2010 के बाद लगा है। आपको पता है कि 2010 में यहाँ पर जो है कोलिशन सरकार ने इसको स्क्रैप किया और ये काला कानून जो है हमारे ऊपर नाफिज किया था, जो कि सरासर एम्प्लॉइज के नाइंसाफी है। आपको पता है कि 60% जो है इसका एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के दिन दिया जाता है और 40% जो है शेयर मार्केट में रखा जाता है। तो इस सिलसिले में ये हमारे लिए नाइंसाफी, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक एमएलए चार बार एमएलए बनता है, एक बार एमएलसी बनता है, तो उसको 5 पेंशनें मिलती हैं, लेकिन एक एम्प्लॉई जो 35 साल सर्विस करता है उसके लिए देखो कितना बड़ा जुल्म है कि उसको फिर बाद में जो है पेंशन 700 या 800 रुपये दी जाती है, तो वो ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर भी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द रेस्टोर करें।